نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مؤزز سامعين وناظرين माह शाबान की अख्तसास और उसकी फ़ज़ीलत का बतौर ख़ास इनकार करना ये किसी शख़्स के इल्म में कमी मुताल में कमी और नक्स हो सकता है ये हक़ नहीं पहुँचता कि मुताल की कमी इल्म की कमी की वजह से कोई चीज़ किसी बदी हकीकत का कोई शख्स इनकार कर दे इसी तरह बाज़ लोग, बाज़ बापीकर बाज़ स्कॉलर्स बाज़ तब्लीग करने वाले खिताब करने वाले बेधड़क कह देते हैं कि शब बारत की कोई हकीकत नहीं है और पंद्रह शाबान मज़्म यानी शाबान के निसफ़ शब की जो निस् शाबान की इस मुबारक रात की कोई फजीलत कोई अहमियत और कोई तखसीस नहीं है बेधड़क बयान कर देते हैं ऐसा बयान मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया ये भी सरासर ज़्यादती इस्लाम पर ज़्यादती और अपनी जहालत पर पर्दा डालने के मुतरदिफ हैम ने फरमाया कि आधा इल्म है अपनी लाइलि का इकरार कर लेना अगर किसी के इल्म में एक चीज़ नहीं है और वो कहे कि मेरे मुताले में नहीं गुजरी तो ये बड़ी तकवा की बात है अच्छी बात है अहले इल्म का शेवा है कि यूं के यूँ कहे कि मेरे इल्म में नहीं आई मेरे मुताल में नहीं आई ये हक नहीं पहुँचता कि कहे इसकी कोई हकीकत नहीं तो आज उस हकीकत को बयान करना चाहते हैं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर हजूराम ने फरमाया और ये सुना ने नसाई में है और पिछली बार इसको बयान किया था कि नसाई शरीफ ने शाबान की फ़जीलत में ये हदीसें लाईं जिसमें आकर इस्लाम ने फरमाया इस महीने में अमाल उठाए जाते हैं अल्लाह के हुजूर माह शाबान में और मैं मुसलसल रोज़े इसलिए रखता हूँ कि मैं मोहब्बत करता हूँ कि मेरे अमाल माए शाबान में अल्लाह के हजूर पेश हों तो मैं सायम हूँ यानी रोज़ादार हूँ आज इसी जिमन में अगली हदीस पेश कर रहा हूँ जिसे मुसनद अबू याला में इमाम अबू याला ने रिवायत किया है और और ऐसी सनत के साथ कि जो सनत मत नहीं है जिस पर तान नहीं है जिस सनत पर और वह भी उम्रम हज़रत आयशा सदी रजी अल्ला रिवायत करती ने फरमाया फ़रमायान्न नबी सल वसलम कान यसूम शाबान अकल्हू आकलम पूरा माह शाबान रोज़े रखते क़ालत कुल तो या रसोल्ला सल्हल्मा अहब शूर इले कासुम उ शाहबान सारे महीनों से ज़्यादा रोज़े रखने के अतबार से रमज़ान के बाद आपको माय शाबान इतना क्यों पसंद है इतना महबूब क्यों है यहां आकर इस्लाम ने दूसरा जवाब दिया यानी माय शाबान की दूसरी फजीलत बयान फरमाई फरमाया इन यक तुब फीहे अला कुल् नफिन मैता सनत हिब्बनी अजली व अनसा इम फरमाया कि आयशा इस महीने हर वो शख्स मैयता हर वो शख्स जो मरने वाला है जिस पर मौत आनी है हर मरने वाले शख्स की इस साल में अल्लाह तबारा का वाला वा वो शख्स लिख दिया जाता है यानी जिस शख्स की पंद्रह शाबान के बाद इस महीने के बाद अगले साल के माह शाबान तक जिस शख्स के लिए मौत मुकदर कर दी गई है लिख दी गई है और मौत ने उस टीरू को अगले साल में आके कब्ज करना है आका ने फरमाया तो इस साल में यह लिख दिया जाता है कि यह लोग हैं जिनकी रूह इस साल में कब्ज की जाएगी आका ने फरमाया फो हिबोनी तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी अजल जब आए यानी मेरी अजल का वक्त जब लिखा जाए तो मैं उस वक्त रोजे की हालत में हूं मैं पसंद करता हूं इस बात को तो आका ने इसकी एक और फजीलत बयान की और इमाम तिरमजी ने हजरत अन मालिक से मालिकल तनात के साथ रिवायत की आका ने फरमाया अफजल इन बाद रमजान शाबान ले ताज़ीम रमज़ान के रमजान के बाद सबसे अफजल रोज़े शाबान के हैं इसलिए कि शाबान की ताज़ीम ताज़ीम रमज़ान की वजह से है या शाबान की फजीलत फजीलत रमज़ान की वजह से है अब इन दो हदीसों के बाद मैं इस वक्त निस सब रमज़ान के मौजू पर तिरमजी शरीफ की तरफ आ रहा हूँ सही बुखारी और सही मुस्लिम सेमूमी शाबान की फजीलतें बयान हो चुकी अब सही सिया की मोतबर किताब जाम तिरमजी सोना ने तिरमजी उसकी तरफ आ रहे हैं उसका बाब उनतालीस अब वो लोग इस पर तोज्जो करें जिनका ये ख्याल है कि शब बारत का और पंद्रह शब शाबान का कोई वजूद कोई हकीकत और कोई फजीलत और कोई तखस नहीं है उन्हें चाहिए कि कुतुब हदीस खोल के पढ़ें, या पास शयूख के पास, पास तय करें कबल झूठे फतवे जारी करें जहात पर मबनी बाबालीस ने बाब कायम किया है फजीलत में बाब कायम किया इमाम तिर ने और उन्मान ही यह शबे कायम किया इस के साथ। और आगे फिर इमाम मजी ने हदीस नकल की है जो हदीस की रावी फिर उमिन तनाए और उनसे रिवायत किया है हजरत उर्वा ने ता अन उर्वायशा तो रजियहालत फ रसूल सतन फखरज तो फैजा हुआ बिल बकी अब यहां दो बातें साबित होंगी उमल मोमिन आयशा सदी रजी ता फरमाती हैं। इस पंद्रह शाबान की रात थी जिसे हम शब बारात कहते हैं यह पंद्रह निसव शाबान की रात थी मैंने अचानक रात को देखा कि आका असलात अपने बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा नहीं थे जब मैंने देखा कि बिस्तर पर आराम फरमा नहीं है तो मैं फौरन घर से निकल पड़ी आपकी तलाश में जब तलाश में निकली तो फैजा हुआ बिल बकी मैंने आकाम को जन्नतुलबकी यानी बकी के कब्रस्तान में पाया यहां से दो बातें साबित हुई एक इमाम तिरमजी का पंद्रह शाहबान की शब के उनवान से पूरा बाप कायम करना और सैयद आयशा सिद्दीका सदी का रजील्ला से आका की इस सुन्नत को रिवायत करना कि पंद्रह शाहबान की शब उठकर इबादत करना सलाम की सुन्नत था बतौर खास और सिर्फ इबादत नहीं इस शब आकाल सलाम कब्रस्तान तशरीफ ले गए बकी में तशरीफ ले गए तो दो सुन्नतें साबित हुई बाज़ लोग इस मुगालते में भी मुबतला हैं और मैंने पढ़ा है बाज़ अखबार में बाज़ लोगों ने कह दिया कि कब्रस्तान जाना और फातह करना भी इस रात में कहीं सबित नहीं है तो देखिए यह सुन तिरमजी के बाप से साबित है सलाम की सुन्नत से साबित है आयशा सदीका रजी अल्लाह जन्नतुल बकी में पाया और जब आप उनके पास पहुंची तो आकल ने फरमायाशा सदीका रजी अल्लाह तौड़ती दौड़ती मुझे तलाश करने के लिए आई हो तुम्हारा क्या ख्याल है अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारी हक तलफी करेगा फकाल लई लतन निस शाबान की पंद्रह की रात आती है तो अल्लाह तबारा का दुनिया आसमान दुनिया की तरफ एक खास शान के साथ नाजिल हो जाता है अब आप देखिए यूं तो आसमान दुनिया की तरफ हर रात के पिछले पैर नाजिल होता है तो जब नस्व शाबान की रात की तख्तीस फरमाई तो इसका मतलब इस रात किसी और शान के साथ बड़ी अजीम मकफरत के ऐलान के साथ अजीम रहमतों के ऐलान के साथ अजीम अता और सखा के ऐलान के साथ उतरता है उतर आता है फैग फिर अक्सर शार में कल तो एक कबीले का जिक्र किया जिनके पास बहुत बकरियां होती थी फरमाया वो कबीला जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा बकरियां हैं उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उन बालों से भी बढ़कर इस रात अल्ला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देता है इस शबे बरा इसलिए इसको शब बरात कहते हैं कि इस रात दो से आजादी होती है बरात होती है बख्शिश का अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है और इसके बाद इमाम तिरमजी रिवायत करते हैं या नबी बकर सिद्दीक इसी बाप में इसी मौजू पर यह हदीस सयदू बकर रजी अल्लाह भी रिवायत की है तो पंद्रह शाबान की रात की अहमियत हजूर की सुन्नत से साबित हुई सदना सिद्दी की अकबर की रिवायत से साबित हुई और उमल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह रिवायत से जिसे इमाम तिरमजी ने मुस्तकिल बाब कायम करके बयान किया अब आप देखिए कौन कौन से आईम हदीस थे जिन्होंने शब बारत पंद्रह शबे, शबे र, शाबान के बाब कायम नहीं किए कितने ताजुब की बात है ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों अदीस के जखीरे में कोई एक आध हदीस छुपी पड़ी है और किसी की निगाह से नहीं गुजरी कुतुब हदीस में सियासता में अबवाब कायम है शाबान की शब पर और अबवाब कायम हो और फिर कहा जाए कि इसकी कोई तस्करा नहीं है कोई वजूद नहीं है इस पर ताजुब होगा अब, अब इस वक्त मेरे सामने सुनन निबन माजा है यह भी सियासता की किताब है सुनन निबन माजा इसका बाब सुन लीजिए बाब माजा फी मिन शाहबान

और बतौर खास बकी में कब्रस्तान में जाकर मरहुमीन की बख्शिश के लिए भी दुआ करना और अपनी बार अल्लाह के हजूर अपनी अल्तजाएँ भी करना और आखरत को भी याद करना ये एक सुन्नत थी इसी सुन्नत के तहत इस शब मुसलमानों की भारी अक्सरियत कब्रस्तान जाके फातह खानी करते और अपनी आखरत और मौत को याद करते हैं यह अकल इस्लाम की सन्त है अब इसके बाद सीधना मौला अलीजा अन अली जब ने अभी रजी अल्लाह तुम आका सलाम ने फरमाया कि जब शाबान की पंद्रहवीं रात आती है तो आका फरमाया फूमहा नहा जब पंद्रहवीं शाबान की शब आए शब बारो तो नवाफिल पड़ा करो इबादत किया करो और उसके दिन को यानी पंद्रहवीं शाबान के दिन को रोजा रखा करो क्यों फिर आका ने, ने सबब बयान किया फरमाया फी गरूब शम से दुनिया अब फर्क यह है हर रात और पंद्रहवीं शाबान की रात में फर्क यह है हर रात अल्लाह तस शब के बाद जब आखिरी हिस्सा रात का एक तिहाई रह जाता है तो आखिर शब अपना नजूल इजलाल फरमाता है नजूल रहमत फरमाता है और उस वक्त आसमान दुनिया पे आके बंदों की बख्शिश के लिए निदा फरमाता है यह आखिर शब है और पंद्रह शाबान की रात की खसूसियत यह है आका ने फरमायानजूफिया दुनिया के इधर सूरज गरूब होता है चौदहवीं शाबान का तो गरूब आफ्ताब के साथ ही अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान कुदरत के साथ नजूल इजलाल फरमाता है और तुलू फजर तक अल्लाह तला इंसानों के करीब आसमान दुनिया पर आकर लोगों की बख्श व मफरत का सामान फरमाते रहते हैं कूल। और अल्लाह पाक फरमाता है अला ली, अलाम मुस्तकू पंद्रह शाबान की शब अल्लाह पाक गुरुब आफ्ताब के बाद से ऐलान फरमाना शुरू करते हैं है कोई मुझसे इस्तार करने वाला गुनाहों की माफी मांगने वाला सो मैं उसको माफ कर दू अला को, का है कोई मुझसे रिज तलब करने वाला सो मैं उसके रिज्क में वसत अता कर दू अला मुबतला है कोई मसायब आलाम में मुबतला शख्स मुझसे मांगे सो मैं उसको आफियत अता कर दूं अला कजा अला कजा है कोई ऐसा शख्स है कोई ऐसा शख्स ये कह के अल्लाह पाक ऐलान फरमाता रहता है और अपनी अता और सखा के दामन को फैलाता रहता है हत्ल अल फज्र हा के फजर तुरू हो जाती है ये इमाम अबन माजा ने बाब कायम किया जब एक इमाम हदीस का एक बात सुन ले सिर्फ एक हदीस वारिद नहीं करता उस पर बाब कायम करता है और बाब कायम करके कई हदीसें उसके ताबे लाता है तो इससे एक बात एस्टेब्लिश है जिसमें कोई शक नहीं कि ये उसने महज अपनी किताब हदीस में एक बाब कायम नहीं किया बल्कि ये इन इमाम इबन माजा का अकीदा था यह इमाम नसाई का अकीदा था इमाम तिरमजी का अकीदा था यह इम हदीस के अकायद में शामिल था वो इस रात को अहतमाम करते थे मनाते थे इकतसाज के साथ इबादतें करते थे तभी तो उन्होंने हदीस को चलते चलते किसी बाप में जिक्र नहीं किया बल्कि बाकायदा बाप कायम कर दिए फिर इसके बाद उन्होंने अगली हदीस हजरत आयशा सदी रजी अल्लाह त से रवायत की इमाम इबन माजा ने और ये वही हदीस है जो मैं इमाम तिरमजी की रिवायत से सोन तिरमजी से बयान कर चुका हूँ और उसमें वो फरमाती हैं ज़ाता फ़कत व नबी या ज़ाल लतन फरज तो अतुल बहू फू ये राफ्ज मुख्तलिफ आए हैं फरमाया कि मैंने पंद्रह शाबान की रात इस्लाम को जब बिस्तर पे न देखा निकल पड़ी तो मैंने जन्नत-ul-बकी में कब्रस्तान में देखा तो आकलम सरे अनवर आसमान की तरफ उठाए हुए थे और फिर उसके बाद वही कले हैं या आशत अकुंत तीफ अलई के व रसूलों वही कलेमात फरमाया और उसके जवाब में आकाल सलाम ने फरमायान अल्लाह दुनिया तो आका अकाल ने उसी तरह फरमाया कि इतनी कसरत के साथ इस रात अल्लाह आसमान दुनिया पर आके मेरी उम्मत के लोगों की, की बख्शिश फरमाता है इसके बाद इमाम इबन माजा ने हजरत अबू मूसा अशारी से रिवायत की है अगली हदीस लाए हैं

अपनी रहमत और मखफरत की शान के साथ आसमान दुनिया पर नजूल इजलाल फरमाता है और फरमाया फिर अल्लाह पाक मेरी सारी मखलूक की बख्शिश का सामान करता है सारी मखलूक की बख्शिश के लिए इजन फरमाता है कि बशरते के कोई शख्स सिद के दिल के साथ तायब हो जाए सिद के दिल के साथ तालिब हो जाए सिद के दिल के साथ कोई गिड़गिड़ाए सजदरेज़ हो जाए उसकी बारगाह में क्याम करे उसकी दहलीज पर हाथ बांध कर खड़ा हो जाए पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग कर अगली ज़िंदगी को संवारने का अहद कर ले तो वो सारी मखलूक को बख्शने के लिए तैयार होता है फरमाया सिवाय मुशरक के अगर वो शर्क से तायब ना हो और मुशाह जो बख्ज और इनाद और उम्मत के लिए अदावत दिल में रखता हो ऐसे शख्स की बख्शिश नहीं होती तो इसके बाद फिर इमाम इब्न माजा ने मजीद भी हदीस अबू मुसाशरी की रिवायत से आगे बयान की हदीस फिर इसके बाद यही मौजू इसको इमाम तबरानी ने भी रिवायत किया इन्हीं कलेमात के साथ और वो हजरत मुआज़ बिन जबल रजी ताला रिवायत किया और फरमाया खल के ही जमी खल के ही तो इमाम तबरानी ने बाप का यह हदीस बयान की और इसके रावी हजरत मुआ बिन जबल है इसको इमाम इबन हिब्बान ने भी रिवायत किया और उसके रवि जबल हैं और फिर इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुसनद में रिवायत की और उन्होंने हजरत अब्दुल्लाजी से रिवायत किया तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया और सीदना अली मरतजा से रिवायत हुआ और फिर इमाम बेहकी ने रिवायत की हजरत आयशा सिदीका रजियाल्ला से और उस रिवायत में फरमाया अन्ना अतानी आ, मेरे पास और हदीस है, है। फरमाया मेरे पास जबर आए फकाल और अर्ज मुझे कहा या रसूल ये आपकी उम्मत के लिए अती है और क्या अर्ज किया जबर अमीन ने फरमाया कि ये शाबान की नस्फ शाबान की रात है

सिवाय बुक्स और अदावत दिल में रखने वाले के सिवाय खूनी रिश्तों के, के साथ रहमी करने वाले के और सिवाय तकबर गुरूर करने वाले शख्स के और सिवाय वालदेन के नाफरमान के और सिवाय हमा वक्त शराबी के जो शराब में धुत रहने वाला है फरमाया इन अफराद को छोड़कर अल्लाह बाकी सब अशखास् की जो तोबा करते और माफ़ी मांगते हैं उनकी बख्शिश का सामान कर देता है और ये अहदीस इन कुतुब में है अब इसके लिए एक बड़ी ख़ास चीज़ यह हदीस पंद्रह शाबान की शब बारात की आठ सिहाबा से रिवायत है इनके अलावा जो मैंने बयान किया ये मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल इस वक्त मेरे सामने है और मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल ने अब्दुल्ला बिन अमर से हदीस देने के बाद अब मैं इसके ऊपर बहदसाना तहकीक की बात कर रहा हूँ इस हदीस के शवाहद है। इमाम हैसमी ने यह हदीस मजमो जवाहिद में रिवायत की और इमाम अहमद बिन हम्बल ने यह हदीस बयान की और इसके रिजाल को सिका कहा यह हदीस से रिवायत किया।, किया।, किया इमाम बेहकिन शोबान में रिवायत किया फिर इमाम अबू बकर सिद्दीक से रिवायत किया यह मुसनदारे सामने पड़ी है मुस्रदार उन्होंने इमाम बजार ने अबू बकर ने रिवायत किया फिर इमाम बेहकिन शोबान ने रिवायत किया और इबन अबी आसिम ने भी सैदना अकबर से रिवायत किया फिर हजरत अबू सालबा वो रिवायत किया जिसको इमाम इबन अबी आसिम ने किताब सुनना में और बेहकिन शोबान में रिवायत किया फिर इमाम बजार ने अपनी मुसनद में अबू हुरैरा से रिवायत किया फिर हजरत बिन मालिक ने रिवायत किया जिसको इमाम ने आठ हैं, पचासों कुतुब हदीस में मजामिन बदलकर शबे बरात पर शाबान की इसरात की फजीलतों पर यह हदीसें आई हैं और मुहदसिन कहते हैं यह कहना के में जोफ है या फुला हदीस में जोफ है वो कहते हैं हदीस अगर एक सनत के साथ आई होती तो जोफ पे आप कोई बात करते हदीस तो आठ सिहाबा रिवायत करने वाले हैं और हर सिहाबी के बाद फिर सनत जुदा है यदि जुदा जुदा इतने आई मैं हदीस ने इतनी अलग अलग सनदों के साथ फिर ताबे अलग हैं फिर तबाताबेही अलग हैं पूरी पूरी सनदें इतनी ज्यादा हैं फरमाया कि अगर एक में जोफ है तो दूसरी उसको तकवीयत दे देती है उसमें जोफ है तो तीसरी तकवीत दे देती है फिर इतने आईमा हदीस ने मुख्तलफ आसानीत के साथ इन अदीस को रिवायत किया है कि उसके बाद किसी जोफ की मजाल नहीं रह जाती और यह भी बात जेन में रख लें अगर जोफ किसी ऐसी हदीस की सनत में हो यह तमाम मुहदसिन बयान करते हैं कि यह हदीस सही है अगर ऊफ किसी सनत में इस्नात में है तो वह दूसरी सनत के जरिए दूर हो जाता है और फिर जो फजाइल आमाल में हदीस आती है अगर जो भी हो तो वह मकबूल होती है यह मुतफक अलकायदा है उसूल हदीस का अब यह चीज इसको मुख्तलिफ शवाहद के साथ जैसे मैंने आपको अर्ज किया बहुत सारे सिहाब कराम ने इसको रिवायत किया है और इमाम मोहम्मद ने इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद ने अपनी किताब किताब सुन्ना में बाप कायम किया निसफ शाबान शब बरात का लैलत लैलत लत मिन शाबान का बाब कायम किया तो बताना मकसूद यह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस न से शब बरात का बाब कायम किया इमाम बजार ने इस पर कायम किया मजमो ज़वाइद ने इमाम हैसमी ने इसके ऊपर अब बाब कायम किए और तखरीज की और अदीस दी मुसन्नफब्दुलरक है उनके अंदर कसरत के साथ अदीस को बयान किया अलगरस इतनी कसरत के साथ इस सब्जेक्ट पर अदीस आई है और हदीस ने अभाव कायम किए हैं कि यह गुमान करना कि इसकी कोई हकीकत और बुनियाद नहीं ये सिवाय जहालत और लाइलमी के और कुतुब हदीस और जखीर हदीस से बेखबर होने के और किसी चीज पर दलालत नहीं करती इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी उन्होंने रिवायत करके उसके बाद आगे बयान अदीस बयान करते हैं यही पंद्रह शाबान की रात फजीलतों की और उसके बाद फिर मुहदसिन लिखते हैं कि ये हदीसें सारी सही हैं इसलिए कि कराम की कसीर जमात और कसरत के साथ इन, इन, इन हदीसों को रिवायत करते चले आए हैं और ये एक से बढ़कर दूसरी हदीसें सही साबित हैं और तकवीयत पा जाती तो ये पूरे अबवाब मुख्तलफ मुआबिन जबल से हजरत अबू साबा से और हजरत अबू मसाशरी से और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से और हज़रत अबू सिद्दीक से इन तमाम सहाबा से अहादीस इस आसानीत के साथ इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी जो इमाम आजम के तिलमीज़ हैं उन्होंने रिवायत की और इसी तरह इन्हीं सहाबा से इमाम इबन हिब्बान ने अपनी सही में रिवायत किया और सबसे पहले वो इमाम सीदना अबू हुरैरा से रवायत करते हैं रजी अल्लाह तनों से अलगरज़ ये तमाम कुतुब हदीस के रेफरेंसेस देकर और इन असानीत को बयान करके और इनकी तखरीज और इनकी तहकीक और तोसीक को बयान करने का मकसद यह था कि इस तस्वर को जेन में नहीं आना चाहिए किसी एक रिवायत और सनत पर किसी ने लिख दिया कि कि इसमें जोफ जोफ है लोगों को यह भी नहीं पता कि जोफ कहते किसे हैं मौजू हदीस को नहीं कहते और याद रख लें जोफ कभी हदीस के मतन में नहीं होता हदीस के मजमून में नहीं होता जोफ उसके इस्नात में किसी सबब से होता है और अगर एक सबब से एक सनत में जोफ है दूसरी सनत उससे कवि हो तो जोब खत्म हो जाता है बाद लोग कम इलमी की वजह से न उसूल हदीस से वाकिफ होते हैं न फन हदीस से वाकिफ होते हैं और महज ऐसे दो जमा दो चार कच्ची पक्की रोटी तर्ज का इल्म हासिल करके उसके बाद खिताबात करके लोगों के जहनों को परागंदा करना कल मैं नसीहत यह है कि ऐसी बातें कहने से यह मत समझें कि सिर्फ शब बारत और पंद्रह शाबान की फजीलत का इनकार लोगों के जहनों में वारद होगा और लोग यह समझेंगे कि फजूल रस्म है, नहीं इस पर इब्ने तैमिया ने मैं इससे और क्या करूं जिस पर पूरे सऊदी अरब की का मदार है अलामा तैमिया अपने फतावा के अंदर बयान करते हैं फतावा अलामा इब्ने तैमिया जिल्द तेईस और सफा एक सौ बत्तीस उसमें अलामा बयान करते हैं अम्मा लई मिन शाबान वा वा कहते हैं शाबान की शाबान की रात इसकी फजीलत में बहुत सी अहादीस आई है और बहुत से आसार सिबा आए हैं और असलाफ सल्फ साल ताबे तब ताब इनके और उनकी बहुत सारे कसीर तदाद के लोगों के अकबाल आए हैं और ये बात साबित है कि वो इस रात में खसूसी नमाजें पढ़ते और इबादत करते थे ये मैंने अमामा अबन तैमिया का आपको कौल बयान किया है हजरत उमर बिन अब्दुल हैजीज रजी अल्लाह तु अपने उमाल को लिखते थे कि चार रातों को माह शब कदर के अलावा एहतमाम के साथ मनाया जाए उनमें माह रजब की पहली रात और शाबान की पंद्रवी रात शामिल होती इमाम शाफ फरमाते हैं कि पांच रातें ऐसी हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती शब कदर के अलावा फरमाया उन पांच रातों में एक जुमा की रात है एक दो ईदों की रात है एक माह रजब की पहली रात है और शब बारात एक शाबान की पंद्रवी की रात है, तो ये है कि कुल आईमा, कुल कुल आज तक उम्मत में तसलस के साथ शेख अब्दुलहक मुद्दस देहलवी ने यह किताब लिखी है मा सबता मैंने सुनना वो चीजें जो सुन्नत से साबित हैं उसके अंदर उन्होंने पूरा बाप कायम किया है पंद्रहवीं शब शाबान का फज़ाइल के साथ हजूर सीजना गौसम शेख अब्दुल्किर जीलानी उन्होंने गुनीत तालबीन में बाप कायम किया है वह हमली हैं और बहुत से हमली उनको कसरत से मानते हैं तो मैं उनके इस रिवायत पर जो गनीतबीन के सफ़र तीन सौ उनतीस पर है कसरत के साथ अदीस जमा की हैं इमाम जलालद्दीन सूती ने मंसूर में पच्चीस अहदीस बयान की हैं शब बारात के ऊपर मंसूर तफसीर की किताब में उन तफसत में जाने की बजाय आखिर में गुफ्तु ख़त्म करते हुए एक लतीफ़ ईमान रोज़ नुकता जो मेरे शेख और सब ओलिया के और सब कुतबों और गौसों के शेख सीधना गौसम शेख अब्दुल्किर जीलानी रजी अल्लाह तुमने बयान किया गियतलबी में फरमाते हैं फसल में शाबान पाँच हरफों का मजमू है लफज शाहबान खमसत तो आरफिन पांच शरफों का मजमुआ है शीन एन बाफ और नून आप पढ़ें शाहबान शीन एन बािफ और नून सीधना गौसम फरमाते हैं कि शाहबान की शीन में अल्लाह पाक ने शर्फ रखा है शाबान की एन में अल्लाह रबत ने उलू आजमत और बुलंदी रखी है और शाहबान की बे में अल्लाह ने बेर नेकी और तकबा रखा है और शाबान की अलफ में अल्लाह ने उल्फत और मोहब्बत रखी है और शाबान की नून में अल्लाह इज़्ज़त ने नूर रखा है सो जो लोग माह शाबान और फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की अताया है उसकी अताए हैं उसकी, उसकी नेमतें हैं उसके तोहफे हैं जो शाबान के जरिए नसीब हुए और ख़ास तौर पे फिर सारे तोहफों के दरवाजे जब पंद्रह शाबान की रात आती है तो सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं फरमाया तोहफता खैरात तंजल बोतरा फीलियात व तुक सयात व तुक सलाबाद अला मोहम्मद इसमें खैरात के दरवाजे खोल दिए जाते बरकतें नाजिल होती हैं, और खतए गुनाहें उठा दिए जाती हैं, और गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और कसरत के साथ हजूर पर सलाबाद का नजूल होता है और इमाम कुस्तुली ने एक लतीफ़ बात कही है जिसको शार कुस्तुलानी मवाबल दुनिया के शार इमाम जुर्कानी ने रिवायत किया है फ़रमाते हैं कि शाबान की एक फ़ज़ीलत यह भी है कि ये वो महीना है जिसमें सलाम पर सलाम की आयत अल्लाह ने नाजिल फ़रमाई इन व मलासलूनबी या युल मनु सल वसलम तस्लिमा फरमाया माह शाबान में नाजिल हुई तो शाबान का ताल्लुक हुजूर के दरुद व सलाम के साथ भी बहुत है और अल्लाह की बख्शिश व मफरत और तोबा के साथ भी बहुत है लिहाजा इस रात की इबादत से सलाम की बारगाह में भी कुर्बत नसीब होती है और अल्लाह की बारगाह में भी कुर्ब नसीब होता है अल्लाह तबारा का वताल हमें इन हक और मारफ से आगे ही दे और इन बरकतों और नमतों से मालामाल होने की तोफ़ी फ़रमाए वमा अलै